पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस का संघर्ष जारी है। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मौके पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने आ रहे वाहन चालकों से बढ़ी कीमतों के विरोध पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निशि गुप्ता, पार्षद नरेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़े हुए रेटों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमने 7 तारीख को हमारी महिला मोर्चे की तरफ से बढ़ती रसोई गैस और डीजल और पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन किया। 10 तारीख को साइकिल मार्च निकाल कर भी इसका विरोध तैयार सरकार से मांग की कि डीजल और पेट्रोल के रेट को कम किया जाए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के अगर रेट बढ़ते हैं तो उसकी वजह से महंगाई हर चीज़ की बढ़ती है। जहां खेत पे किसान का खर्चा बढ़ता है, लागत बढ़ती है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से वो हर सामान जो बाज़ार में आता है, चाहे वो बिजली का है, किराने का है, सरिया है, सीमेंट है, सब के रेट बढ़ते हैं। आज पूरे प्रदेश और देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी पेट्रोल पंप पे जो लोग डीजल और पेट्रोल डलवाने के आ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि अगर लोग आप चाहते हो कि डीजल और पेट्रोल के रेट कम हो तो आप एक हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया है, आप उस पर साइन कीजिए ताकि एक ज्ञापन तैयार करके देश के महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाए और देश के राष्ट्रपति से प्रार्थना की जाए, मांग की जाए कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देश की सरकार को कहे कि डीजल और पेट्रोल के रेट को कम करके महंगाई को कम करे, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार पड़ रही है, कोरोना की मार की वजह से करोड़ों बच्चे देश के अंदर बेरोजगार हो गए, लाखों दुकानदारों का काम चला गया, रेहड़ी वाले का, रिक्शा वाले का, आपका कैटरर का, वेटर का, सबके काम चले गए, एक तो उनका काम गया, ऊपर से महंगाई पड़ रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी इसी चरण में सभी से सिग्नेचर करवा रही है ताकि हम मांग कर सकें और राष्ट्रपति जी से कहें कि वो करें। हम और एक बात और कहना हूँ कि प्रदेश की सरकार जो लोगों ने चुनी, उन्होंने वैट इतना लगाया हुआ है, आज अगर देश की सरकार नहीं कम कर रही तो प्रदेश की सरकार को भी चाहिए कि वैट के रेट कम करे, वैट को कम करके इसको इस पे रेट घटाने का काम करें। ये हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, इनकी फोटोआँ देखो, अगर डीजल 40 रुपये हुआ था तो नंगे बदन होकर नारे लगाया करते थे कि कम करो, आज कहाँ, आज एसी में सो रहे हैं। इसलिए आज मांग करने के लिए सभी कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ बैठे। आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरुद्ध जो तेल और डीजल गैस के दाम बढ़ाए हैं बीजेपी सरकार ने, उसके विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, जिससे हम इस सरकार गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, पर यह बेशर्म सरकार है, इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए हम इन लोगों को जगा रहे हैं कि कारण है कि ये सरकार को अगर आप उखाड़ फेंकेंगे तभी इस देश का भला होगा, क्योंकि सरकार ने जितनी गुंडागर्दी से ये काम कर रही है उतनी 70 साल में कभी किसी ने नहीं की। कारण है कि ये जो महंगाई हो रही है उसको भी विकास कहते हैं। इसके प्रवक्ता जितने बेशर्म है कि उस महंगाई को भी उस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि बहुत विकास हो रहा हो। इसलिए हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कि ये कम करने की कोशिश करेगी। हम लोगों का ऊपर से आदेश है, हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट सुष्मिता देव जी हैं उनकी तरफ से आदेश है, शैलजा जी की तरफ से आदेश है और हमारी जो प्रदेश अध्यक्षा सुधा भारद्वाज जी हैं उनकी तरफ से आदेश है कि सारी समस्त कांग्रेस पार्टी युवा शक्ति हमारी और महिलाएं पेट्रोल पंप पे जाकर जो बढ़ी हुई डीजल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, उसके खिलाफ हस्ताक्षर लें। और आज हमने ये देखा है कि यहाँ पब्लिक इतनी दुखी है तो पेट्रोल और डीजल बाद में डलवा रही है और हस्ताक्षर पहले कर रही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से सारी महंगाई बढ़ चुकी है, आज रसोई का बजट बिगड़ चुका है महिलाओं का। आज जो है गृहिणी जब रसोई में जाती है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि वो खाने में क्या बनाए, क्योंकि आलू और प्याज, सरसों का तेल जो हमें 110 रुपये मिलता था आज उसका रेट 180 हो चुका है। और किसानों के जो 3 काले कानून है वो भी सरकार वापस देने को तैयार नहीं हो रही है, और अगर वो वापस नहीं लेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जो है हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा।